बधाई हो अंगराज, तुम्हारे मित्र के जीवन से उसका सबसे बड़ा कांटा दूर जा रहा है। और यदि मेरी दृष्टि से देखें तो एक महायुद्ध हस्तनापुर के समीप आ रहा है। ना, कोई युद्ध मेरे दुर्योधन के निकट नहीं आ सकता अंगराज। 12 वर्ष के वनवास के पश्चात उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों को हम ढूंढ लेंगे और फिर से उन्हें 12 वर्ष के वनवास पर जाना होगा। और ये चक्र सदैव चलता रहेगा अंगराज। और पांडवों का वनवास उनकी मृत्यु से पूर्व समाप्त नहीं होगा। और यदि समाप्त हो गया तो द्योत नहीं युद्ध होगा, जहां आपके पास भी काम नहीं आएंगे गंधार राज। पासे काम आए। या ना आए, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज मेरा मित्र मेरे काम आया। आज जिस तरह से जो कुछ भी तुमने किया, जो तुमने मेरा साथ दिया, जो उन पांडवों को उत्तर दिया, मैं बहुत अभिभूत हुआ मित्र। आज का दिन बहुत लंबा था युवराज, विश्राम करने के लिए आज्ञा दीजिए। अब मित्र, मामाश्री, ये द्यूत तो मैं जीत गया, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना मित्र हार बैठा? नहीं दुर्योधन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ये मित्र अंगराज कर्ण तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता ना? अब तुम चलो, कल की तैयारियां करो, हमें कल इंद्रप्रस्थ जाना है ना दुर्योधन? ये भूमि पर जलने के चिन्ह कैसे हैं? ये पांचाली के चरणों के चिन्ह, उसके मन की अग्नि उसके तन को जला रही है। पांचाली को तो ये भी ज्ञात नहीं कि हम 12 वर्ष का वनवास लेकर आए हैं। तुम्हें न्याय मिलेगा पांचाली, परंतु इस समय अन्याय के तुला के एक और पल्लड़े से मिलना शेष है। आओ महान वीरों, प्रणिपात स्वीकार करो। फहरा आए अपने धर्म की ध्वजा धर्मराज, दिखा दिया अपने गदा का बल विकोदर, अपने बाणों की पैनेपन की सीमा देख आए अर्जुन। हमें क्षमा कर दीजिए केशव, ने जो कुछ किया धर्म से विवश होकर किया। कदाचित दुर्योधन का भी यही कहना होगा कि उसने जो कुछ भी किया धर्म के तले किया, परंतु धर्म क्या है, उसकी सीमा क्या है, क्या यह सब जानने का प्रयास आप सब में से किसी ने किया? धर्म वो रथ है
जिस पर चढ़कर संसार में व्यवस्था का राज्य किया जाता है। धर्म वो बाण नहीं जिसे हाथ में लेकर अधर्म को तांडव करने दिया जाए। अंधकार में रोशनी देने वाली मशाल यदि हाथ को जला दे तो उसे भी बुझा दिया जाता है। धर्म जब सीमा पार करके अधर्म का कारण बन जाए तो क्या उसे छोड़ देना उचित नहीं धर्मराज? द्यूत के लिए बुलाए जाने पर ना जाने क्षत्रियों का धर्म नहीं अच्छा है, परंतु क्या अपनी प्रजा के अस्तित्व को उनसे बिना पूछे दांव पर लगा देना क्या धर्म है? एक अग्रज का धर्म होता है कि वो अपने अनुजों का मार्गदर्शन करे। उन्हें दासत्व के मार्ग पर भेज देना क्या धर्म है? जिस पत्नी की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, उसे चौसर की बिसात पर बिछा देना क्या धर्म है धर्मराज? हम क्षमा चाहते हैं वासुदेव। मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि क्षमा करने का अधिकार मेरा नहीं पांचाली का है। पूछो उससे क्या उसका टूटा हुआ विश्वास तुम सबको क्षमा करेगा? क्या उसके खुले हुए केश तुम्हें क्षमा करेंगे? क्या इतिहास तुम सबको क्षमा करेगा? क्षमा तो हम स्वयं को भी नहीं कर सकते केशव, बस एक अवसर चाहिए। अब आप क्रोध में आकर हमारा साथ मत छोड़ जाइएगा। स्मरण रखना धर्मराज, मैं किसी के साथ नहीं, मैं इस समय केवल विरुद्ध हूं। हर उसके विरुद्ध जिसने पाप किया या मौन रहकर पाप सहा, यदि मैं किसी के साथ हूं तो केवल स्त्री के मान के साथ हूं, मैं केवल द्रौपदी के साथ हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव, हमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमें क्षमा मत करना पांचाली, क्योंकि कहीं हमें एक क्षमा भुला ना दे कि हमें तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। हमें हमारे अपराध का दंड नियति ने दे दिया पांचाली। हमने हमारी गृहलक्ष्मी का अपमान सहा और नियति ने हमें राजलक्ष्मी से वंचित करके वनवास दिलवा दिया। बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास। कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, कोई अंतर नहीं। अपना सम्मान भंग हो जाने के पश्चात मेरे लिए ये राज्य, ये महल, ये सुविधाएं कोई मोल नहीं रखती। अच्छा ही है, कम से कम ये वनवास और अज्ञातवास आप सभी को अपना लक्ष्य स्मरण करवाता रहेगा।